हेलो फ्रेंड्स, आपके फेवरेट चैनल एबीसी क्राफ्ट से मैं अरुणा आप सभी का स्वागत करती हूँ। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी करें और बेल के बटन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। अब आप मुझे फेसबुक और इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए अब हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। दिसंबर का महीना स्टार्ट हो गया है और हमारी चारों तरफ क्रिसमस की तैयारियों की धूम मची हुई है। आज के वीडियो में हम भी क्रिसमस से रिलेटेड कुछ लेके आए हैं। जी हाँ, आज के वीडियो में हम कैंडल को डेकोरेट करेंगे जिससे हम क्रिसमस पर हमारे घर को सजा सकते हैं। बहुत ही सुंदर और आसान तरीके से आज के वीडियो में हम कैंडल को डेकोरेट करेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। कैंडल को डेकोरेट करने के लिए देखिए हमें क्या क्या चाहिए। यहाँ सबसे पहले आप देखिए कैंडल, अलग अलग साइज और शेप में आजकल बहुत सारी कैंडल्स मिलती है तो हम ऐसे कैंडल्स ले लेंगे। ठीक है, इसमें मैंने राउंड और ये स्टैंडिंग में ली है। और यहाँ आप देख रहे होंगे डायमंड की एक चेन मैंने रख रखी है, डायमंड चेन ले लेंगे या कोई इसी तरह की कोई लेस होगी आप वो ले लेंगे। ठीक है, उससे भी आप बना सकते हैं। ये मिरर शीट है, मैंने पहले भी बहुत बार यूज़ की है, मिरर शीट का हम इस्तेमाल करेंगे इसमें। ठीक है, आर्टिफिशियल फ्लावर आप देख रहे होंगे यहाँ पे रखे हैं, किसी भी तरह के ले सकते हैं। जैसे मेरे पास इस तरह के रखे थे तो मैंने ये ले लिए। साथ में आप देख रहे होंगे बॉल्स हैं, मोती हैं, फैंसी मोती आप ले लीजिए कोई, ये शाइनिंग वाले मोती हैं और ये सिंपल वाइट मोती मैंने लिए हुए हैं इसमें। जिस तरह के भी आपके पास में आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्स्ट्रा डेकोरेशन के लिए देखिए इस तरह से फैंसी लेस मैंने ले रखी है, लीफ लेस है, शाइनिंग वाली ग्रास है, ये देखिए शाइनिंग ग्रास है, ये मैंने यूज़ किया इसमें। और ये देखिए ग्लासेस, मैंने तो इस तरह की ग्लासेस का यूज़ किया है। आपके पास सिंपल ग्लास हो, समझ लीजिए स्टैंड नहीं है, इस तरह के छोटे ग्लासेस हो या बड़े ग्लास हो, लंबे ग्लास हो, सिलेंडर ग्लास हो, कैसे भी हो ग्लास, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं इसके अंदर। ग्लास ना हो तो कांच के बाउल का भी इसमें इस्तेमाल करके बना सकते हैं। हम दो तरह से कैंडल को सजाएंगे, इसलिए देख रहे हैं आप दो तरह की कैंडल हमने रखी है और दो ही हमने कांच के ग्लास रखे हुए हैं। सेम ग्लासेस है हमारे पास में, ये हम सेम ग्लास को अलग अलग तरीके से कैसे सजाएंगे ये मैं आपको बताऊंगी। आप अलग अलग तरीके के ग्लास, बाउल्स, कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए आइए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए हम हमारी मिरर शीट लेंगे। इसे देखिए चारों तरफ से मैंने कवरिंग इसके निकालती, बीच में से इसलिए नहीं निकाली ताकि हमारे गंदे हाथ ना लग जाएं तो मिरर हमारा ख़राब ना हो जाए। ठीक है, इस तरह से हम इसके निकाल देंगे चारों तरफ से। और सबसे पहले हम इस पर डायमंड की चेन लगा देंगे कॉर्नर पर। बहुत ही सिंपल और आसान तरीका है। देखिए इसे ग्लू से भी लगा सकते हैं बट फिनिशिंग ज्यादा आए इसलिए हम इसे फेविकॉल से लगा रहे हैं। ग्लू बहुत फास्ट टूट जाता है तो उससे क्या होगा कि हमारी डायमंड की चेन में फिनिशिंग नहीं आएगी लगाने पर। इस तरह से पूरे राउंड में हम ये डायमंड की चेन लगा देंगे और अच्छे से सूखने देंगे। ये देखिए हमारे चारों तरफ डायमंड लग गया है शीट के। अब हमें क्या करना है, सेंटर पर आप देख रहे होंगे हमने मार्किंग ली हुई है, इस मार्किंग पर हम हमारा ग्लास रखेंगे, यानी कि ये ग्लास रखकर सेंटर पर हमने मार्किंग कर रखी। आप भी इसी तरह करें, सेंटर देख लें पहले, उसके बाद में मार्किंग कर लें, फिर हमें ये ग्लास हमारा इस पर चिपकाना है अच्छे से। हम देखिए यहाँ पर इसमें बीच में गैप है तो हम जो ग्लू लगाएंगे वो चारों तरफ ग्लू लगाएंगे ताकि हमारी शीट को अच्छे से चिपक जाए। और ग्लू को खूब अच्छे से गर्म करेंगे। आप लोगों की कंप्लेन रहती है कि आपका ग्लू निकल जाता है, अच्छे से चिपकता नहीं है, यानी कि आप लोग उसे खूब अच्छा गर्म नहीं करें, खूब तेज गर्म करने पर ही ग्लू का इस्तेमाल करें। ये देखिए इस तरीके से खूब अच्छे से ग्लू को गर्म कर लें। जब आप लगाएंगे तभी आपको अंदाजा हो जाएगा कि किस हिसाब से लग रहा है, एकदम मेल्टेड लगेगा, ये बिल्कुल भी थिक नहीं होगा। और उसे इस तरह से सेंटर पर हम चिपका देंगे। अगर फिर भी आपका ग्लू से नहीं चिपक रहा है, ग्लास आपका ग्लू से नहीं चिपक पा रहा है, तो हमारी जो मिरर शीट है उस पर हम
छोटा सा राउंड पेपर चिपका देंगे, फिर पेपर के ऊपर भी हम ये ग्लास चिपका सकते हैं, या कोई क्लॉथ राउंड करके चिपका दीजिए, उसके ऊपर चिपका दीजिए, तो बिल्कुल भी नहीं हिलेगा। वैसे तो ये देखिए नॉर्मल भी मजबूत हो गया है, बिल्कुल नहीं हिल रहा है। अब फिर से हमें फेविकोल लगाना है और ये जो डायमंड की चेन है ये इस तरह से इसके ग्लास के चारों तरफ हमने फेविकोल की हेल्प से चिपका देनी है। ये देखिए हमारी डायमंड की लाइन लग गई है। अच्छे से सूखने के बाद में अब ये देखिए हम फ्लावर लेंगे। फ्लावर में से दो फ्लावर का हम बंच बनाएंगे। पहले बंच बनाकर उस फ्लावर को हम इस तरीके से यहाँ चिपका देंगे साइड में, ठीक है, ग्लू की हेल्प से या फेविकोल की हेल्प से, जैसे आप चाहें वैसे से लगा सकते हैं। इस तरह से देखिए लगाकर हमने दो फ्लावर का बंच आप देखें इस तरह से कॉर्नर पर हमने लगा दिया, थोड़ा ग्लास को टच करते हुए और थोड़ा हमने हमारी शीट को टच करते हुए लगा, ठीक है। अब सिंगल जो हमारा फ्लावर है उसे हम वन साइडेड लगा देंगे। सबसे पहले तो देखिए जो लीफ निकली हुई है उसे चिपका कर आप मैनेज कर लें। एक्स्ट्रा हम पोर्शन कटिंग कर देंगे। उसके बाद में जो ग्लास देखिए अभी फ्लावर हमने इधर लगाए इसके बिल्कुल अपोजिट साइड हम ये फ्लावर को लगा देंगे इस तरीके से। आधा ये ग्लास के ऊपर रहेगा, आधा ग्लास के नीचे। दो मिनट हम सूखने का वेट करेंगे। ये देखिए हमारा फ्लावर सूख गया पूरी तरह से, यहाँ के भी फ्लावर सूख गए, बट देखिए दो फ्लावर लगाए कुछ कम लग रहा है, यहाँ पर हमें खाली खाली लग रहा है, तो एक और फ्लावर हम लेंगे और इस तरह से लगा देंगे, तो देखिए कंप्लीट लुक लग जाएगा। थोड़ा हाफ लुक लग रहा था, इसके साथ में हम एक फ्लावर और ले लेते हैं। जैसे तीन फ्लावर का हमने बंच सा बना दिया। इससे बनने के बाद में हम हमारे बॉल्स लेंगे। देखिए फैंसी बीड्स हैं, कैसे भी बीड्स आप ले सकते हैं, या छोटी छोटी बॉल्स आपको मिलती है, ग्लिटर बॉल्स मिलती है तो ग्लिटर बॉल्स ले लीजिए। अगर आपको ये ग्लिटर बॉल नहीं मिल रही इस तरह की तो आप मोती लीजिए, उस पर फेविकोल लगाकर ग्लिटर में लपेट लीजिए, तो आपके पास में इस तरह के बॉल्स रेडी हो जाएंगे। कोई भी ग्लिटर हर कलर का आता है, गोल्डन, सिल्वर, अलग अलग कलर्स में आते हैं ग्लिटर। जो कलर का ग्लिटर का बॉल आप बनाना चाहते हैं आप आसानी से बना सकते हैं। जो घर में आपके पास मोती रखे हैं उनसे आप बना सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए हम ये ग्लास में ग्लिटर बॉल्स डाल दिए हमने। इसे बहुत जैजी नहीं बनाएंगे, हम बहुत सिंपल और सोबर रखेंगे इसे। और जो हमारी ये वाले मोती है इसे भी हम पूरा ग्लास में डाल देते हैं। पूरा नहीं भरेंगे, थोड़ा सा हम गैप छोड़ देंगे, थोड़ा साइड में छोड़ देंगे। और अब हमारी हम कैंडल्स ले लेंगे। ये देखिए एक सिंगल कैंडल ली हमने और इसमें देखिए खड़ा कर दिया है, और कुछ बॉल्स को हम साइड में डाल देंगे। जब हमारी कैंडल प्रॉपर लग जाएगी थोड़े से बीड्स हम साइड में डाल देंगे। इसे ग्लू की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, देखिए पूरी तरह से स्टैंड हो गई है ये। और अगर आपको लग रहा है कि आपकी कैंडल हिल रही है, गिर रही है, तो आप नीचे एक बार लगाने के लिए ग्लू लगा सकते हैं ताकि आपकी कैंडल हिले नहीं।
ये देखिए आपका कैंडल डेकोरेट हो गई है क्रिसमस के लिए। अब इसमें एक चीज़ की कमी लग रही है, ये कॉर्नर पे, ये जो ग्लास का ऊपर का कॉर्नर है इस पर आप लगाना चाहें तो देखिए ये डायमंड की चेन इस तरीके से लगा सकते हैं ताकि ग्लास की प्रॉपर शो आ जाए। तो हम लगाएंगे इसमें पहले ये डायमंड की वाली चेन भी हम लगा देंगे इसमें। देखिए ये डेकोरेशन है, कई बार लगाने के बाद हमें लगता है कि हाँ नहीं यहाँ से अच्छा लग रहा है, हमें ये एक्स्ट्रा करना चाहिए या कुछ ऐसा, तो आप उसमें ऐड कर सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं मुझे लगाते लगाते लगा कि मैंने यहाँ पर चेन नहीं लगाई बट लगाऊंगी तो बहुत सुंदर लगेगी, तो ये देखिए आप कैंडल रखने के पहले भी आप इसे लगा सकते हैं। मुझे अभी ध्यान में आया और मैंने देखा अभी कि इसके बिना कुछ अधूरा लग रहा है। ये देखिए इस तरीके से हम पूरे ग्लास पर लगा देंगे। ये देखिए हमारे कैंडल स्टैंड पूरी तरह से तैयार हो गया है। इसमें देखिए ऊपर डायमंड की चेन भी लग गई है, बीड्स लग गए हैं, फ्लावर लग गया है। बहुत सिंपल तरीके से हमने सजाया है बट बहुत एलिगेंट लुक आ रहा है। आप इसे देख रहे हैं, आप क्रिसमस पर घर में जगह जगह इस तरह से भी आप इसे कैंडल्स लगाकर घर को डेकोरेट कर सकते हैं। चलिए आइए एक और तरह से हम कैंडल को सजाना और देखते हैं। एक और डेकोरेशन के लिए देखिए हमने वही ग्लास लिया है जो पहले यूज किया था, उसमें हम देखिए ग्लिटर ग्लास है, ये वाली ग्लास को हम लेंगे और इस तरह से पूरा इकट्ठा करके एक बंच बना लेंगे राउंड। देखिए अभी कहते हैं ग्लिटर नहीं मिले, ये ग्लिटर ग्रास अगर आपको नहीं मिलती, ऐसी वाली ग्रास अगर आपको नहीं मिल रही तो मैं उसका भी ऑप्शन आपको बता देती हूँ। यहाँ पे सेम जैसे बॉल बनाना है, हमने ग्लिटर बॉल बनाते हैं उसी तरह हम इस ग्लास को भी पूरा अंदर से फेविकोल लगाकर पूरे में फेविकोल लगा देंगे पतली पतली लेयर, और उसके बाद में हम पूरे में ग्लिटर डाल देंगे और उसको झड़का देंगे तो ये हमारा ग्लास अंदर से ग्लिटरी बन जाएगा। अगर आपको ये इस तरह की ग्लास नहीं मिल रही है तो सेकंड ऑप्शन आप ये यूज़ कर सकते हैं इसमें। अब इसमें क्या करना है, थोड़ा हमने ग्लू डाल देना है रैंडमली और ये हमारी ग्लास को हमने इसमें डाल देना है इस तरीके से। अच्छे से हम ग्लास को पूरा अंदर डाल देंगे, थोड़ा ग्लू लगाए हम आग कवर कर देंगे, चिपका देंगे। फोल्ड करके हमने अच्छे से अंदर डाल देना है, देखिए पूरा हमने अंदर डाल दिया। इसके बाद में आप ये देख रहे होंगे फोम शीट है, ये फोम शीट मैंने ली है यहाँ पर, ग्लिटर वाली फोम शीट है। ग्लिटर वाली इसलिए ली है ताकि इस पर हम लगाएंगे तो इसका इफेक्ट शाइनिंग और ग्लिटर ही रहे, ठीक है। अब इस पर इसे देखिए हमने इस तरह से उल्टी लगानी है, सीधी नहीं लगानी है, उल्टी लगानी है ग्लास पर। तो सबसे पहले हम अच्छे से ग्लू लगा देंगे ग्लास पर, ग्लू को खूब गर्म करके लगाइए, मैं फिर से बोल रही हूँ आपको, और उस पर इस तरह से उल्टा करके हमारी फोम शीट लगा देंगे। ये देखिए हमारे ग्लास पर हमने शीट लगा ली फोम शीट। अब हम क्या करेंगे, हमारे ग्लास को उल्टा कर देंगे, ठीक है। ग्लास को उल्टा करने के बाद में जो नीचे का हिस्सा है ये आप देख रहे होंगे, इस पर हम डायमंड की चेन इस तरीके से लगा देंगे। ये देखिए हमारी डायमंड की चेन लग गई है, साथ साथ में हमने देखिए ये जो ग्लास का बेस था जिसे हमने उल्टा करके ऊपर किया है उस कॉर्नर पे भी हमने डायमंड की ये चेन लगा दी है। अगर आपके पास डायमंड की चेन नहीं है तो बारीक बारीक स्टोन्स आप लगा सकते हैं नीचे भी ऊपर भी, या बारीक सी कोई लेस है वो आप लगा सकते हैं, जो भी चीज़ आपके पास उससे डेकोरेट कर सकते हैं। अब आगे हमें क्या करना है, फैंसी है, हम हमारी लेस लेंगे और लेस को हम इस तरीके से देखिए ग्लास पर, ये देखिए ग्लास का जो साइज है वो साइज के हिसाब से हम इस लेस की लंबाई ले लेंगे और इस तरह से घुमाते हुए दूसरी तरफ की भी लंबाई का हम एक अंदाजा ले लेंगे, जो ये हाइट है वो हाइट के हिसाब से हम लेंगे। इस तरह से हमने ले लिया अंदाजा। अब हमें क्या करना है, इसके इस तरह से दो तीन बंच जैसे बना लेंगे लेकर,
तरह से, और हमारे ग्लास पर हम लगा देंगे, एक्स्ट्रा हम कटिंग कर देंगे। ये देखिए किस तरह से बहुत सुंदर लग रहा है। अंदर ब्लू ग्लिटर ग्रास हमने भरी है, ऊपर से देखिए ब्लू कलर की हमने लीफ वाली लेस लगाई है। अब इसे ग्लू की हेल्प से हम अच्छे से चिपकाएंगे। ध्यान रखें ग्लू हाथ में लग न जाए। कुछ ग्लू हम साइड में देख रहे हैं दोनों तरफ लगा देंगे ताकि राउंड पूरा हमारा बैठ जाए। पूरा वन साइडेड हमें हमारे इस लेस को लगाना। आप देख रहे हैं इस तरह से हमने वन साइडेड इसमें पूरा ये बंच को तैयार कर दिया है। यहाँ से हमारा प्लेन है। अब हम इस पर फाइनली हमारी कैंडल को, ये देखिए बहुत ही आसान तरीके से और बहुत एलिगेंट लुक आ रहा है हमारे कैंडल स्टैंड का। ये देखिए ऐसे तो ये बनकर रेडी हो गया, लेकिन बट देखिए साइड में कुछ मुझे खाली लग रहा था, तो ये देखिए मैंने फ्लावर लिया है, सेम जो हमने इसमें फ्लावर लगाया था वही फ्लावर मैंने लिया है। इसमें किसी भी तरह का ले सकते हैं और इसे इस तरह से हम एक साइड में लगा देंगे तो कुछ जो कमी कर रही थी वो कम्प्लीट हो जाएगी। मैंने आपको पहले ही बताया कि करते करते बहुत बार ऐसा पता चलता है कि हाँ ये अच्छा लग रहा है ये नहीं, तो आप कर दीजिए उसे। ये देखिए अब ये हमारे कैंडल स्टैंड को पूरा कंप्लीट लुक दे रहा है। ये देखिए दो तरह से कैंडल स्टैंड हमने बनाया आज, एक तो ग्लास को सीधा रख के बनाया हमने और ये देखिए एक ग्लास को हमने पूरा उल्टा करके बनाया। दोनों ही अपनी तरह से अलग अलग लुक दे रहे हैं। इसी तरह से आप बहुत सारी वैरायटी से कैंडल बना सकते हैं, कैंडल स्टैंड बना सकते हैं और घर को पूरे घर को डेकोरेट कर सकते हैं इस क्रिसमस पर। अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगली बार फिर मिलते हैं कुछ आने वाले के, तब तक के लिए बाय।